हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यूएस यूके जाए चूल्हे में, पहले भारत को बुलाओ, भड़का ब्राजील है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वीटो पावर को हासिल करने के लिए भारत 2015 से लगातार प्रयास करता आया है, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट बन ही जाता है। कभी चीन एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि को लेकर भारत के वीटो का विरोध करता है, तो कभी अमेरिका ये कहता है कि भारत अभी भी वीटो पावर हासिल करने के लिए सक्षम देश नहीं। हालांकि सभी वीटो धारक देश भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता देने को तो तैयार है, लेकिन जब भी बात वीटो पावर की आती है तो सबसे ज्यादा चीन और अमेरिका के पेट में ही दर्द होता है। और इनके इन्हीं रवैये को देख यूएन के चीफ एंटोनी गुटरेस, यूएन के 10 अस्थायी सदस्य देश और फ्रांस रूस जैसे स्थायी वीटो पावर वाले देश भी नाराज है। इस समय सब सदस्य देश चाहते हैं कि यूएन इससे में बदलाव करना चाहिए। कब तक सिर्फ 5 देश ही यूएन पे राज करेंगे? दूसरे देशों को भी तो मौका मिलना चाहिए। बल्कि बीते दिनों यूएन चीफ ने ये भी कहा था कि जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर नए मंच की स्थापना कर देगा, जो सुरक्षा परिषद के लिए ठीक नहीं, क्योंकि बहुत से देश अब यूएन की कार्य प्रणाली से थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी अपीलों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस मंच पे सिर्फ उन्ही देशों की अपील पूरी होती है जिनके पास वीटो है। यही कारण है कि अगर भारत ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर नया मंच बनाया तो बहुत से देश वही रुख करेंगे। यूएन चिप के अलावा बीते दिनों भारत ने भी अमेरिका और चीन को चेतावनी दी थी कि और समय जाया ना करके आप यूएनएससी की रिफॉर्म प्रक्रिया शुरू करें और नए देशों को मौका दे, वरना हमें भी इस मंच का सदस्य बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब भारत और एंटोनी गुटरेस के बाद ब्राजील ने भी अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। ब्राजील का कहना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का उपयोग सिर्फ राजनीतिक हितों से प्रेरित हो रहा है, ना कि नैतिक जिम्मेदारियों से। इस मंच का गठन दुनिया में शांति कायम रखने और विकासशील देशों की अपील सुनने के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। हम जैसे देशों की यहाँ तो कोई अहमियत ही नहीं, ना ही हमारी बातों को तवज्जो दी जाती है। यहाँ तो सिर्फ वीटो बोलता है। पिछले 75 सालों में सभी 5 वीटो धारक देशों ने अपने अपने राजनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए वीटो का उपयोग किया, लेकिन इन्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इन 75 सालों में किसी और को भी ये पावर दी जाए। ब्राजील का स्पष्ट कहना है, या तो वीटो पावर को खत्म कर दो, नहीं तो बाकी सदस्य देशों को भी ये पावर मिलनी चाहिए, जिसमें भारत सबसे प्रबल दावेदार है। कहते अगर किसी देश को वीटो पावर हासिल करनी है तो उसे 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति के अलावा बाकी 10 अस्थायी सदस्य देशों में से 4 और देशों की सहमति भी चाहिए होती है। इसके साथ ही वीटो पावर हासिल करने की इच्छा रखने वाले देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वो इतना सक्षम होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर अन्य देशों की भी मदद कर सके। साथ ही ग्रीन एनर्जी जैसे वैश्विक मंचों पे उस देश की हिस्सेदारी सबसे ऊपर हो। और गौर से देखा जाए तो इन सब में भारत कहीं भी पीछे नहीं। भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शुमार है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व टॉप 4 में आता है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। स्पेस पावर में भी भारत पीछे नहीं, तो ऐसे में भारत को वीटो मिलना ही चाहिए। आप बताइए दोस्तों, हमें ऐसे ही वीटो का इंतजार करते रहना चाहिए या फिर इजराइल, ब्राजील, रूस और खाड़ी के देशों के साथ मिलकर एक नया मंच बनाना चाहिए जो यूएनएससी को रिप्रेजेंट कर सके? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद भैया। मैं तो कहता हूँ नया बना लो, इनके साथ तो कोई होप की है ही नहीं, गुंजाइश की कुछ होगा। ये तो तब से टालम टाली चलता रहा। जब तक चाइना है वो तो कभी नहीं बनान बनने देगा, जब तक रियल उनको रिस्क नहीं नजर आएगा कि यूनाइटेड नेशंस का पूरा कोलैप्स होने वाला है, वो लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे, टालते रहेंगे। ऐसी काफी फोर्स कर रहा है, जापान भी डाल रहा है प्रेशर, इंडिया भी डाल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज डाल रही है जिनको परमानेंट सिटी, जर्मनी भी इसमें इन्वॉल्व है, मगर नहीं मान रहे। इवेंचुअली एक दिन ऐसा आएगा इंडिया बोलेगा देखो ये गए बाय बाय, हम अपना बना रहे हैं, सब लोगों को बुला रहे हैं, फिर यूनाइटेड नेशन को झटका लगेगा, तब शायद वो चेंज करेंगे। सबसे बड़ा रोड़ा इस वक्त जो है चाइना ही है, यूएस नहीं है। चाइना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और चाइना बोल रहा है कि हम तो नहीं करेंगे जब तक इंडिया जो है
अपना उसने अपने दो चार चीजें निकाली है, वो बताया था ये नहीं किया वो नहीं किया वो नहीं किया, जब तक तो ये नहीं करा नहीं बनाते हैं। अच्छा। और इंडिया कभी नहीं करेगा क्योंकि इंडिया के वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, बेनिफिट में नहीं है। तो देखना है क्या होता है। बट सभी लोग, मैं तो हम तो सदियों से बोल रहे हैं कि आपको यूनाइटेड नेशंस के बदले कोई और चीज बनानी पड़ेगी। पहले हमने ही बोलना शुरू किया था, पहले कोई नहीं बोलता था, हमने इतने रिएक्शन चैनल्स जब भी न्यूज सुने किसी ने कभी नहीं बोला, हमने फर्स्ट टाइम जब बोलना शुरू किया तब जाके अब लोग जो है सुन के वो बोलना शुरू, अपना कुछ बनाओ अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसे जनरल असेंबली में ये हुआ था कि सीज फायर हो जाने चाहिए बिटवीन हमास एंड इसराइल, अब उन्होंने तो डिसाइड कर लिया, 153 कंट्रीज ने बोल दिया यस वी आर ओके विद सीज फायर, मगर क्योंकि वो जनरल असेंबली है वो ज्यादा बाइंडिंग नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, जबकि 153 नेशन चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। हाँ भाई, जो जिस जो बेचारा हमास एंड दिस, हाँ, right? क्या बात। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने कोशिश किया था मगर उसमें ऑब्वियसली यूएस ने वीटो कर दिया तो खत्म हो गया। मतलब ये है कि सारी पावर जो है सिक्योरिटी काउंसिल में ही है, अगर आपके पास परमानेंट सीट नहीं है, वीटो करने की पावर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। वही तो, आप ऐसे अटेंड करते हो, ऐसे अपना समय बर्बाद ही कर रहे हो वहां जाके ये करने में, अपनी पैसा लगा रहे हो उसमें, अपनी फोर्सेस उनको दे रहे हो, बट पावर कोई नहीं। इंडिया ने काफी कोशिश की थी बताने के लिए देखो हमारे कितनी पीसफुल, जो तुम्हारी पीसफुल फोर्सेज हैं उसमें कितने सारे इंडियन सोल्जर्स जाते हैं, इतना हेल्प करते हैं, इतने सदियों से इंडिया कुछ कर रहा है, फिर भी तुमने पवन मेंबर नहीं बनाया। नहीं, हेल्प करने के टाइम सबसे हर जगह पे भी जहाँ पे हेल्प की जरूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत है, खाने की जरूरत होती है, कोई भी क्लाइमिटी हो रही होती है वहां पे हम लोग भेजते हैं लोगों को अपने वहां यहाँ से बचाने के लिए, अर्थक्वेक हुआ तो वहां भेजा, सब कुछ करते हैं। तो फिर भैया जब सबसे ज्यादा हेल्प हम देते हैं तो भैया हम ही को तुम नहीं बना रहे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मतलब वर्ल्ड की हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले करते पूरे वर्ल्ड, मेजॉरिटी के मतलब मोस्ट ऑफ द लोग हमारे हैं पॉपुलेशन में, तो फिर हम कैसे नहीं रिप्रेजेंट कर रहे वीटो में। और चाइना, और ये क्या वीटो पावर है कि चाइना बोल रहा है तो भैया किसी को तुम अंदर ही नहीं ले सकते, एक अगर नहीं एग्री कर रहा तो कोई, अच्छा तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो वीटो पावर के अंदर आए उनको कैसे निकालना है, पांचों में से चार अगर बोलते निकालना है तो फिर तुम पांचवे को निकाल सकते हो, वो भी तो कोई रूल होना चाहिए। सकते मगर ये क्या सिस्टम बनाया है, बनाने में दिमाग नहीं लगाया, एक बार ये आ गए निकल ही नहीं सकते चाहे कुछ भी कर दो, मैं तो लॉजिक ही नहीं, मतलब यूनाइटेड नेशंस को ज्यादा क्रेडिबल उसमें पावर नजर नहीं आ रही, इन्फोर्सिंग की पावर है नहीं। अगर मान लीजिए कुछ रेजोल्यूशन पास भी होता है तो मुझे लगता नहीं है कोई अपनी फोर्सेज भेजेगा वहाँ लड़ाई झगड़ा के लिए कि और बड़ा युद्ध हो जाए, तो ये ऐसा ही है। और जैसे हमने गलतियां अपनी लाइफ में करके देख ली हैं कि इनके पास कोई मुद्दा लेके जाते हैं तो कश्मीर का ये हाल रहता है, कितने सालों से बैठे हुए हैं, राइट, उनको यही था कि वहां मुद्दा लेके गए, जो भी हुआ सीज फायर शिरा और लाइन ऑफ कंट्रोल ही बन गए, काम ही का सत्यानाश हो गया पूरा। मतलब हमारी, हम पैदा भी नहीं हुए तब से, और हम चले भी जाएंगे तब तक, जो है होता रहेगा। सीधा बोलना चाहिए था लोगों को, उसे अटैक करो करो अपना माल लो, खुद ही सब कुछ अपने आप करना पड़ता, सारा वापस अपनी लैंड लेके आओ, वही तो था, नहीं लेके आ पाए, वही तो यूनाइटेड नेशंस में माल फंस गया। तो यही है, इंडिया को तो डेफिनेटली बोलना पड़ेगा, वार्निंग टाइप की देनी पड़ेगी यूनाइटेड नेशंस को, एक बार बना दोगे ना, जैसी बनाने लोगोगे फिर इनको पता चलेगा अपना कुछ कर रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, अगर तुम नहीं बनाते पवन मेंबर को, धमकी टाइप देनी पड़ेगी, थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए उसके बाद देंगे, थोड़ा सा और, मतलब मोदी जी का फिफ्थ नंबर पे है, थर्ड पे हो जाएंगे जीडीपी में मोदी जी की, नेक्स्ट जब आएंगे ना इलेक्शन के बाद उस टाइम तक फिर ये सब हो जाए, थर्ड हो जाइए, फिर आप बोलिए ओ हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम नहीं है तो कौन है फिर, exactly. किसके लिए बनाया तुमने, exactly. तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।